नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल चुनाव प्रचार लोकसभा चुनाव। जी हां, देश में सियासी पार्टियों ने पूरा देश नाप डाला। आज यही हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन जनसभाओं में किन किन पार्टियों ने कितना नाप तोल किया, यानी पूरे देश में कहां कहां पर उन्होंने पार्टियों ने जनसभाएं और रैली की। आज हम बात कर रहे हैं लोकसभा इलेक्शन 2019 की 17वीं लोकसभा का चुनाव प्रचार की। यह अभियान भाजपा के लिए अब तक के सभी अभियानों के लिए बड़ा और सघन रहा है। इस दौरान पार्टी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने में पूरी ताकत झोंक दी। अगर अमित शाह की माने तो घोषणा के बाद 28 मार्च को मेरठ में पहली और 17 मई को मध्य प्रदेश में खरगोन में अंतिम सभा के साथ प्रधानमंत्री ने कुल 142 जनसभाओं को संबोधित किया। इसके अलावा अमित शाह ने 161 जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं इस दौरान मोदी जी ने 4 और शाह ने 8 रोड शो भी किए। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान मोदी जी ने 105,000 किलोमीटर की हवाई यात्रा भी कर डाली। वहीं अमित शाह ने 158,000 किलोमीटर की हवाई यात्रा की। यही नहीं, भाजपा के दूसरे वरिष्ठ नेताओं ने भी पूरी ताकत लगाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 135, राजनाथ सिंह ने 129, नितिन गडकरी ने 56 और शिवराज सिंह चौहान ने 160 जनसभाएं संबोधित की। वहीं वरिष्ठ केंद्रीय नेताओं ने कुल मिलाकर के पूरे देश में 1500 से अधिक जनसभाओं को संबोधित किया। बात केवल यहीं तक सीमित नहीं है, भाजपा ने आम आदमी तक पहुँच बनाने के लिए 161 कॉल सेंटर भी खोले, जिनके सहारे केंद्रीय योजनाओं के 24.81 करोड़ लाभार्थियों के साथ सीधा संपर्क स्थापित किया गया। वहीं 10 करोड़ से अधिक SMS भी भेजे गए। अमित शाह ने बताया था कि आम जनता के बीच में चौकीदार, फिर एक बार मोदी सरकार, मोदी है तो मुमकिन है, जैसे 14 तरह के प्रचार अभियान चलाए गए। अगर अमित शाह की माने तो भाजपा ने काफ़ी पहले ही लोकसभा चुनाव की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसके अंतर्गत 120 ऐसी सीटों की पहचान की गई थी जिन पर भाजपा को कभी जीत हासिल नहीं हुई थी। इनमें से 80 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है, जबकि 40 सीटों पर सहयोगी पार्टियां चुनाव लड़ रही है। शाह ने दावा किया कि इन 80 सीटों पर भाजपा लड़ रही है, उनमें से एक बड़ी बात, यानी इस बार बड़ी सफलता मिलने वाली है। पिछली बार के मुकाबले अब की बार बड़ी जीत हासिल करने की बात कहते हुए अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यक्रमों के कारण गरीब, किसान, आदिवासी महिला और शहरी ग्रामीण सभी वर्गों के लिए भाजपा को भरपूर समर्थन मिला है। पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने 133 योजनाओं का लाभ पूरे देश के 50 करोड़ लोगों तक पहुँचाने में सफल रही है, और यही इस चुनाव के अंदर सबसे बड़ी ताकत साबित हुई है। आपको बता दें कि इन लाभार्थियों तक पहुंचने में भाजपा की गठनात्मक शक्ति काम आई। उनके अनुसार पूरे देश में 10,35,000 बूथ में से 8,65,000 बूथों पर भाजपा का संगठन मौजूद था। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत खुद प्रधानमंत्री नमो ऐप के सहारे सभी बूथों पर कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क कर रहे थे। यही नहीं, 22 लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए पार्टी ने उनके घर के एक साथ कमल ज्योति जलाने का कार्यक्रम भी चलाया। वहीं चुनाव के ऐलान से पहले ही देश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बाइक रैली निकाल करके भाजपा ने अपने कार्यक्रम को सक्रिय कर दिया था। अगर बात करें चुनाव अभियान की, तो इस दौरान भाजपा और उनके नेताओं का पूरा जोर जनसंपर्क रहा। अमित शाह ने बताया था कि रैलियों के दौरान भी प्रधानमंत्री मंच के पीछे केंद्रीय नेताओं और केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से मिलते रहे हैं और हमेशा उनसे फीडबैक लेते रहे हैं। इसके साथ ही मंच के नीचे कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका उत्साह बढ़ाने का काम भी किया, ताकि इन चुनाव में कोई कोर कसर न रहे। लेकिन अब हम बात करते हैं इलेक्शन एनालिसिस की, कि किस नेता को सबसे ज़्यादा टीवी चैनलों पर देखा गया, इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा कौन नेता सर्च किया गया। आपको बता दें कि टीवी पर राहुल से 3 गुना ज़्यादा दिखे मोदी। एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार प्रियंका गांधी मायावती से ज़्यादा देखी गई, लेकिन प्रियंका गांधी और मायावती से ज़्यादा देखे गए अमित शाह।
अगर हम बात करें चैनलों की तो 11 हिंदी चैनलों पर सबसे ज़्यादा समय मिला और सबसे ज़्यादा देखा गया बनारस में मोदी कार रोड शो, जिसे सबसे ज़्यादा समय दिया गया 3.5 घंटे तक लाइव टीवी चैनलों ने इसे दिखाया। अब आपको बताते हैं कि कितने घंटे तक किस नेता को देखा गया, तो नरेंद्र मोदी जी को 722 घंटे देखा गया और वहीं राहुल गांधी जी को 251 घंटे लगातार देखा गया। अगर पूरे समय को देखा जाए तो 722 घंटे 25 मिनट और 45 सेकंड तक नरेंद्र मोदी जी को देखा गया। वहीं राहुल गांधी जी को 252 घंटे 36 मिनट और 43 सेकंड देखा गया। इसके बाद आते हैं अमित शाह। अमित शाह को 123 घंटे 39 मिनट और 45 सेकंड देखा गया। और अगर बात करें बहन मायावती की तो मायावती जी को 84 घंटे 53 मिनट और 29 सेकंड देखा गया। इसके बाद आती हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी को 84 घंटे 20 मिनट और 5 सेकंड तक देखा गया। यहां पर मायावती को प्रियंका गांधी से ज़्यादा देखा गया है। आपको बता दें कि इस अवधि में मोदी जी ने 64 और राहुल गांधी जी ने 65 रैलियों को संबोधित किया, यानी राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी जी से एक रैली अधिक की। ये उन टीवी चैनलों की स्थिति है जो देश के 11 टॉप चैनल हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति राहुल गांधी से कहीं अधिक दिखाई गई है। इस बारे में विश्लेषक कहते हैं कि ये बताना कठिन है कि कौन आगे है, लेकिन मोदी जी को विशेष दर्जा जरूर मिलता है। 25 अप्रैल को वाराणसी में नामांकन के एक दिन पहले प्रधानमंत्री के रोड शो को 3.5 घंटे लगातार टीवी चैनलों पर लाइव दिखाया गया और इनका इंटरव्यू भी काफ़ी लंबा रहा, जबकि राहुल गांधी के साथ प्रचार के दौरान बातचीत सिर्फ 25 मिनट की रही। ANI के लिए अक्षय कुमार द्वारा किए गए प्रधानमंत्री के इंटरव्यू को भी सभी चैनलों ने एक साथ प्रसारित किया, जिसे 1.7 करोड़ लोगों ने देखा। हालांकि लंदन में भारत की बात के तहत प्रसून जोशी के प्रधानमंत्री के साथ साक्षात्कार को 2.5 करोड़ लोगों ने देखा था, इसके बावजूद अक्षय कुमार से बातचीत की स्टिकनेस ज़्यादा रही, इससे इम्प्रेशन से नापा जाता है। मोदी अक्षय के मामले में यह 52 लाख और भारत की बात में 35 लाख रहे। अब BARC के डाटा से पता चलता है कि PM के स्वतंत्रता दिवस के भाषणों को भी चैनलों ने काफ़ी दिखाया था। वहीं आपको बता दें कि न्यूज लॉन्ड्री के अभिनंदन शेखरी कहते हैं कि समय की बात अब अप्रासंगिक लगती है, लेकिन न्यूज चैनलों को जो करना चाहिए वह नहीं हो रहा। वह कहते हैं कि अगर हम समय की बात करें तो कुछ अपवाद को छोड़ करके लगभग सभी प्रमुख दलों को बराबर समय मिल रहा है, लेकिन विपक्ष पर लगातार हमला होता है और उसे खराब स्थिति में दिखाया जाता है। PM को दिखाना चैनलों के लिए रेवेन्यू जुटाने का काम जरूर है, लेकिन एक डाटा के मुताबिक पिछले साल नवंबर से भाजपा टेलीविजन पर सबसे ज़्यादा विज्ञापन देने वाली पार्टी बन गई। उसने एक पान मसाला की जगह ले ली है, इसके बाद और दूसरी पार्टियों को समय मिलता है। खैर, ये थी हमारी एक ऐसी रिपोर्ट जो अलग अलग जगह से टीवी चैनलों और अखबारों से जो टॉप अखबार हैं उनसे एकत्र किया हुआ डाटा है। दोस्तों, ये थी पल पल की एक खास रिपोर्ट। फिर मिलेंगे पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई खबरों के साथ। नमस्कार।